नमस्कार, बलियालाइव के बुलेटिन में आपका स्वागत है। छत के सहारे दाखिल हुए चोरों ने मुकेश सिंह के घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी चुरा लिए। चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान चोरों ने जिस कमरे में लोग सोए थे उसकी कुंडी बंद कर दी थी। मनियर के बड़सरी जागीर गांव में मंगलवार की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खोला। खाद्यान्न घोटाले में 36 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे संवाददाता वीरेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि बैरिया थाने में बुधवार को खंड विकास अधिकारी की तहरीर पर बैरिया ब्लॉक अंतर्गत साल 2002 से 2006 तक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में खाद्यान्न घोटाले के मामले में 36 लोगों पर धारा 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है वह तब ग्राम पंचायत सचिव या अन्य जिम्मेदार पदों पर तैनात थे। इस मामले में ईओडब्ल्यू वाराणसी ने भी जांच की है। जिन लोगों के नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है उसमें धनंजय मिश्र, अमरनाथ राम, योगी सिंह, हरेंद्र प्रताप सिंह, रामजी सिंह, रामेश्वर प्रसाद, राजेंद्र शर्मा, रामेश्वर राम, शिव शंकर, लाल बाबू, अवध बिहारी ओझा, शंभुलाल, विनय कुमार सिंह, प्रभुनाथ यादव, गणपत राम, अंजनी कुमार, ओम प्रकाश पांडे और मनोज गुप्ता आदि शामिल हैं। एक गोल से खैराबाद आजमगढ़ को हराकर नेपाल टूर्नामेंट का विजेता बना। सागरपाली मिनी स्टेडियम में गौरी भैया ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बुधवार को हुआ। मुख्य अतिथि सांसद नीरज शेखर ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं टूर्नामेंट में बेहतर खेल प्रदर्शन करने वाले नेपाल के खिलाड़ी संजीव थापा को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। इस मौके पर इंडियन आइडल सीजन 11 के प्रतिभागी पल्लव सिंह का भी सम्मान किया गया। बीते 27 दिसंबर की रात स्कॉर्पियो सवारों से की गई लूट का खुलासा दोकटी पुलिस ने बुधवार को कर दिया। दोकटी के रामपुर कोडरहा ढाले पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात में शामिल बिहार के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट के 6010 रुपए, पासबुक, आधार कार्ड, 312 बोर के 2 तमंचे, कारतूस और बाइकें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार लोगों में भीम शंकर यादव निवासी जानकी बाजार थाना कृष्णनगर जिला भोजपुर आरा, मुकेश कुमार यादव निवासी सुरेमनपुर थाना शाहपुर भोजपुर, अरुण कुमार निवासी भगवान का डेरा थाना कृष्णनगर जिला भोजपुर शामिल है। 7 दिवसीय हरिहरात्मक पूजन कार्यक्रम और अखंड हरि कीर्तन का समापन मकर संक्रांति पर किया गया। नगरा के कोठाई में बाबा मुरारनाथ जी का पवित्र स्थली पर हुए कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। बाबा के समाधि पर हवन पूजन और भोग के साथ सिद्धपीठ हथियाराम मठ के महंत महामंडलेश्वर व्याकरण आचार्य भवानी नंदन यत महाराज ने प्रसाद स्वरूप खिचड़ी बांटी। मकर संक्रांति पर हजारों लोगों ने गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाई, दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हमारे संवाददाता कृष्णकांत पाठक ने बताया कि होत फजीरे से ही शिवरामपुर समेत जिले के अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था जो दोपहर तक चलता रहा। भीषण ठंड के बावजूद महिला पुरुष बच्चों संग गंगा तट की तरफ बढ़ते दिखे। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने गंगा स्नान कर आदिदेव सूर्य को अर्घ दिया। खरीद दरौली घाट के बीच बने पीपा पुल का दक्षिणी नाका मंगलवार की देर रात ध्वस्त हो गया। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने बताया कि इस पर दोपहर में ही चार पहिया वाहनों के आने जाने का प्रतिबंध लग गया था। अब इस महत्वपूर्ण पुल पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। यह पुल यूपी और बिहार को जोड़ता है। बताया जा रहा है कि बिहार के अमरपुर केवटलिया से 2 पीपे मंगाए गए हैं, उसके आते ही आवागमन बहाल कर दिया जाएगा। निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए 4 दोषियों में सबसे कम उम्र के विनय शर्मा को तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में सबसे ज्यादा परेशान हाल में टहलते देखा जा रहा है। चारों दोषियों को मिली मौत की सजा पर असमंजस की स्थिति फिलहाल बरकरार है। जेल के सूत्रों ने बताया कि 26 वर्षीय कैदी को जेल में नियम तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा सजा मिली। चारों कैदियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को 22 जनवरी को फांसी की सजा दी जानी तय हुई थी। हालांकि बुधवार को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि निर्धारित दिन फांसी नहीं दी जा सकेगी क्योंकि 4 में से 1 दोषी मुकेश ने दया याचिका दायर कर रखी है।
बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी भाषा हमेशा समाज को बांटने वाली होती है, ऐसा कहना है वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी का। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रिजवी ने कहा कि बैरिया विधायक खुद दारू और बालू के अवैध धंधे को बढ़ावा देते हैं, लोगों का ध्यान उनकी करतूतों पर न जाए इसलिए अक्सर वे अनर्गल बयान देते रहते हैं। 45 वर्षीय केदार राजभर की सर्पदंश से मौत हो गई। केदार बिल्थरा रोड के उभाव थाना क्षेत्र के राजपुर के मौजा नूरपुर के निवासी थे। बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे ब्रह्म बाबा की परती के पास बकरी चराते समय उनके साथ यह हादसा हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहरिया पुलिस ने बुधवार को हॉस्पिटल मोड़ कोटवा से चोरी की बाइक संग एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसएचओ संजय त्रिपाठी ने बताया कि अधिसिजुआ निवासी रामेश्वर यादव को बाइक संग थाने लाकर संकट धाराओं में निरुद्ध कर जेल भेज दिया गया। भाजपा इस देश में सीएए और एनआरसी की बात इसलिए कर रही है ताकि देश की जनता विकास और रोजगार की बात न करे, गरीबों, किसानों और बेटियों की सुरक्षा की बात कोई न पूछे, ऐसा कहना है रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह का। रसड़ा विधायक आंबेडकर संस्थान में बसपाइयों की जुटान को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर 64 किलो का केक काटकर बसपा सुप्रीमो मायावती की लंबी उम्र की कामना की गई। फिफरा थाना क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय बालिका संग दुष्कर्म का आरोपी किशोर आखिरकार टोंस नदी के सेमरा घाट पर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। एसओ फेफना ससिमौली पांडे ने मीडिया को बताया है कि किशोर कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आज सहतवार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के सभासद के रिक्त पद पर हुए चुनाव की मतगणना होगी। उपचुनाव में कुल 48% मतदाताओं ने वोट डाले थे, अर्थात कुल 1379 मतदाताओं में से 677 ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव में 3 उम्मीदवारों विमला, निर्मला और रितु के बीच मुकाबला था। वार्ड की सभासद चांदनी देवी के निधन के कारण रिक्त हुए पद पर उपचुनाव करवाना पड़ा। इस साल जनवरी जुलाई का मजा देगी। बुधवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली और आसमान बादलों से पट गया। कोहरे और धुंध से ढकी सुबह के बाद दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप ने असर दिखाया और लोग बाग सुकून महसूस किए। मकर संक्रांति पर जनपद का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो पूर्वांचल में 15 जनवरी से मौसम के बिगड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूरे यूपी में 19 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसी क्रम में बिल्थरा रोड के बौल्डी गांव निवासी 35 वर्षीय मदन चौहान कहीं से कांपते हुए अपने घर लौटे। ठंड से बेहाल मदन को परिजनों ने आग तपवाया, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। भाजपा के जिला और मंडल पदाधिकारियों की बैठक बुधवार को पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। हमारे संवाददाता पंकज सिंह जुगनू ने बताया कि बैठक में 19 जनवरी को सीएए के समर्थन में होने वाली रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। यह रैली गोरखपुर में होनी है। शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। बीते 6 जनवरी को जल यात्रा से शुरू हुए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति वैदिक मंत्रोच्चार और विशाल भंडारे के साथ हुई। बांसडी रोड के बझा गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और पुण्य के भागी बने। खुद फजीरे से ही यज्ञ प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने यज्ञ स्थल पर मत्था टेकने के साथ ही आश्रम प्रांगण में स्थापित विभिन्न कुंडों और स्थानों का पूजन अर्चन किया। छपरा बलिया रेलखंड पर स्थित गौतम स्थान रेलवे स्टेशन मार्च महीने से नए स्वरूप में नजर आएगा। 100 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का विकास कार्य चल रहा है। न्यायशास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम ऋषि आश्रम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौतम स्थान स्टेशन का भवन मंदिर का स्वरूप ले रहा है। भोजपुरी कलाकारों ने जमकर उड़ाए चौके छक्के। बड़की सेरिया गांव में सेरे हिंद स्पोर्टिंग क्लब की ओर से भोजपुरी कलाकारों के बीच क्रिकेट मुकाबले का आयोजन किया गया। मैच का शुभारंभ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी
युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल ने फीता काट कर किया। क्रिकेट मुकाबले में गोल्डू गोल्ड की टीम ने अजीत हलचल की टीम को 7 विकेट से हराकर शील्ड पर कब्जा जमा लिया। उधर मऊ की टीम ने आजमगढ़ को 21-17 के अंतर से शिकस्त देकर वॉलीबॉल का खिताब अपने नाम कर लिया। श्री जंगली बाबा की जन्मभूमि जामगांव के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला हुआ। आजमगढ़ के कैप्टन सालिम को मैन ऑफ द मैच और मऊ के मोहसिन को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। 20 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में बलिया समेत पूर्वांचल के 15 छात्र भाग लेंगे। वाराणसी बलिया के 4-4, गाजीपुर के 3, भदोही के 2, सोनभद्र और चंदौली के 1-1 छात्र का चयन इसके लिए किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षकों के जरिए इन छात्रों की सूची विद्यालयों में भेजी जा रही है। बलिया के ज्ञानकुंज अकादमी के आलोक राघवेंद्र, शिवम और सुविंद्र यादव का चयन इसके लिए किया गया है। और चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात और, पूर्वोत्तर रेलवे की वाराणसी सिटी स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेशन या शॉर्ट ओरिजिनेशन किया गया है। कृपया इस खबर को विस्तार से balialife.in पर पढ़ना न भूले। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।